हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्यूटी सेक्शन में आज मैं आपको फेस पैक बताऊंगी। दो फेस पैक होंगे, एक होगा ऑयली स्किन के लिए एंड एक होगा ड्राई स्किन के लिए। और ये फेस पैक हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे हम इनको? इसके लिए हम लेंगे कुछ स्ट्रॉबेरीज़। इन स्ट्रॉबेरीज़ को हम मिक्सी में चला लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना होगा कि थोड़ी सी लेनी होगी फ्रेश क्रीम, जिसे जो कि मलाई दूध के ऊपर आ जाती है, और साथ में ज़रूरत होगी हमें शहद की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बोल में अराउंड एक चम्मच प्यूरे लेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा फ्रेश क्रीम, इसको भी हम करीबन एक चम्मच ही लेंगे और इसमें मिलाएंगे एक चम्मच के करीबन शहद। जिन लोगों को शहद सूट नहीं करता वो इसको एलोवेरा जेल से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करके इसका एक इवन सा पेस्ट बना लेंगे। जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए ये फेस पैक बहुत अच्छा रहेगा, उनकी स्किन की ड्राइनेस को निकालने के लिए। इस तरह से इसका एक इवन पेस्ट बना लेंगे और इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब ये सूख जाएगा तो हम इसको ल्यूक वार्म वाटर से धो देंगे। अब हम बात करेंगे ऑयली स्किन के लिए। वही हम एक चम्मच लेंगे स्ट्रॉबेरी का प्यूरे और उसमें डालेंगे एक चम्मच दही। हमने ड्राई स्किन के लिए यूज़ किया था फ्रेश क्रीम को, यहाँ हम यूज़ करेंगे दही को, उसको रिप्लेस हमने दही से किया है। एंड अराउंड 1 स्पून हम यूज़ करेंगे शहद। अगेन, जिन लोगों को शहद सूट नहीं करता है वो इसको रिप्लेस कर सकते हैं एलोवेरा जेल से। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इसका एक इवन सा पेस्ट बना लीजिए और अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए इवनली। करीबन 20 मिनट हमें इसको लगा के रखना है और उसके बाद ल्यूक वार्म पानी से इसको धो दें अच्छे से। हमारा फेस पैक बनकर तैयार हो गया है। अब आपको जल्दी से जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसकी शॉर्ट में क्वालिटीज़ बता देती हूँ। तो एक तो हमारा कॉमन इंग्रेडिएंट है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के बारे में काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड एक वीडियो मैंने अब बनाई है स्ट्रॉबेरी की क्वालिटीज़ बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी है। विटामिन सी क्या करता है, हमारे स्किन को क्लिंस करता है और जो हमारी स्किन पे स्पॉट्स हैं उन सबको लाइटन करता है। साथ में स्ट्रॉबेरी के अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, जो क्या करता है, हमारी स्किन को, जो हमारे स्किन में डेड सेल्स हैं उनको निकालता है एंड हमारे स्किन को क्लीन करके एक ग्लो देता है स्किन को हमारी। और जो हमने ड्राई स्किन के लिए फेस पैक बनाया वहाँ हमने फ्रेश क्रीम को यूज़ किया। फ्रेश क्रीम क्या करती है, हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है, मॉइस्चराइज करती है, क्योंकि ड्राई स्किन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर समय सूखी सूखी खुरदुरी बनी रहती है, तो वो हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करती है। साथ में जो हमने कर्ड यूज़ की ऑयली स्किन के लिए, तो कर्ड की क्वालिटी हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे स्किन पे जो दाग धब्बे हैं उनको लाइटन करती है, क्योंकि जो ऑयली स्किन है बहुत प्रोन होती है कि उस पर एक्ने स्कार्स और बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं। कर्ड में जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी नेचुरल जो हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन है उसको थोड़ा लाइटन करता है, हमारी स्किन को रेडिएंट बनाता है एंड सॉफ्ट बनाता है। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है हनी। हनी के बारे में हम सभी वीडियोस में काफ़ी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। हनी भी हमारे स्किन के टेक्सचर को बेटर करता है, साथ में हमारे जो पोर्स हैं उनको डीप क्लींस करता है। तो आप इन फेस पैक को अप्लाई कीजिए अपने फेस पे। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी फाउंडिंग्स हैं, आपने यूज़ किया आपको क्या बेटरमेंट मिला, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
इसको इस ये जो फेस पैक है इनको आप अराउंड 2 बार का अगर आपका बन गया है तो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसे यूज़ करें तो उसकी फ्रेशनेस को एक बारी चेक कर लीजिए, कहीं कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई है उसके अंदर। अगर आपको ये जानकारी ये फेस पैक अच्छा लगा है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स अपने नियर डियर्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वीक में एक बार मैं लाइव चैट ज़रूर करती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ ताकि उनकी क्वेरीज़ को आंसर कर सकूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुँचेगा और मैं आपकी क्वेरीज़ को आंसर कर पाऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।